हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, रोहन ना प्रिया का रोहन और प्रिया का एक चैनल है जो मैं एक दो वीडियोज भी बना चुकी हूँ, उस पर आप देख रहे होंगे। तो मैं उस वो ना सेकंड शादी करने का धमकी दे रहा है। तो भाई मैं ना तुझे एक बात बता दूँ कि सेकंड शादी ना, दूसरी शादी ना लड़कियां भी कर सकती हैं, अकेला तू ही नहीं कर सकता या लड़के ही नहीं कर सकते हैं कि मतलब एक बीवी को छोड़ा दूसरी शादी कर लिया। लड़कियां भी कर सकती हैं, पर जो तू उस कंडीशन में उसको छोड़ के गया है ना, वो एक माँ है और वो ऐसा कभी नहीं करेगी अपने बच्चे के साथ। तू इतना सेल्फिश हो गया ना, पता नहीं क्या तूने उससे पहले वादे किए, सब कुछ किया और उसको फंसा के अपने घर लेके आया, उसका घर भी छुड़वा दिया, फिर एक गंदी सी सिचुएशन में तूने उसको रखा भी, जहाँ से वो अपने घर से आके फिर तेरे साथ जैसा था वैसा रही, फिर तू उसको एक दो साल बाद छोड़ के ऐसा चला गया। मतलब चुल्लू भर पानी में ना तुझे डूब के मर जाना चाहिए जो तूने किया है। और जो बोल रहा है ना तू शादी की, तो मैं तुझे बता दूँ, शादी के लिए तो लड़कियाँ भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है, बट ना जब लड़की एक माँ बन जाती है ना, तो वो अपने से पहले ना अपने बच्चे को रखती है। अगर चाहे तो, अगर प्रिया का कह, प्रिया उस बच्चे को छोड़ दे, वो कि अपनी ज़िंदगी स्टार्ट नहीं कर सकती, पर वो नहीं करेगी ऐसा, क्योंकि सिस मोम, वो एक माँ है और वो ऐसा नहीं करेगी। वो अपने बच्चे को प्रायोरिटी पर रखेगी और तुझे छोड़ के चला गया ना, तुझे दिखाएगी कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को जिया और कैसे अपने बच्चे को उसने पाला है। पर मैं फिर भी तेरे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और जो मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी बोल रही हूँ, प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इतना भी प्रिया को फोर्स मत कीजिए कि नहीं नहीं आप अड़िंग लीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। मैं तो ये बोल रही हूँ, जहाँ तक हो प्लीज़ प्रिया और रोहन तुम दोनों ही चीज़ों को शॉर्ट आउट कीजिए और अपने बच्चे के लिए एक साथ हो जाइए। कम से कम उस बच्चे को एक बेहतर ज़िंदगी दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अपने हिसाब से पहले ज़िंदगी को जिया, फिर तू उसको छोड़ के चला गया, अब उस बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। पहले तूने उसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब की, अब उसके उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है उस बच्चे की। तो उस बच्चे की खातिर तो वापस चला जा घर। और फ्रेंड्स, मैं भी बोल रही हूँ कि जहाँ भी अगर किसी को रोहन या प्रिया मिले, तो प्लीज़ उन दोनों को समझाइएगा कि वो लोग जहाँ तक वो एक ही हो जाए, ख़ासतौर पर रोहन को, क्योंकि प्रिया तो खुद ही उसके पास जाना चाहती है। और मतलब मेरे को ना बुरा सबसे ज़्यादा बच्चे के ज़्यादा लिए लग रहा है, क्योंकि यार बच्चा छोटा सा भी, उसको क्या पता है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, उसकी माँ कभी उसको इधर से उधर लेके घूम रही है, तो ना उसको कहीं का नहीं छोड़ा, ना तो वो अपने घर रह सकती है, ना अपने पेरेंट्स के पास जा सकती है, और पता नहीं कहाँ कहाँ उस छोटे से बच्चे को लेकर, ननी सी जान को लेकर भटक रही है इधर से उधर। सर्दी का मौसम है, बच्चों को सर्दी लग जाए, बुखार आ जाए, अभी 2 मंथ का बेबी, ओनली 2 मंथ के बेबी में इतना भी इम्यूनिटी नहीं होता है कि कुछ बाहर का एटमोसफियर वो उसको सहन कर सके। भाई तुझ जैसा बेशर्म इंसान तो मैंने देखा नहीं, जो अपनी नन्ही सी जान के लिए भी अपनी बीबी को माफ़ नहीं कर सकता। क्या आप लोगों का लव मैरिज होगा? आपके मतलब लव तो किधर था ही नहीं, आप लोगों ने क्या लव किया? अगर कोई बात भी होती है इससे तो अच्छा 10 गुना ना, 10 गुना 100 गुना अच्छा बोल रही हूँ, अरेंज मैरिज है। कम से कम अरेंज मैरिज में इंसान दो लोगों को समझते हैं, उसके बाद एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अपनी जाया करते हैं, और वो रिश्ता ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर रहता है। आप लोगों ने लव मैरिज क्या, आपका लव मैरिज कुछ भी लव मैरिज नहीं था, आपने तो बस टाइम को वेस्ट किया रोहन, और उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, और आपने और कुछ नहीं किया। नहीं तो लव होता ना, तो अगर मान लो प्रिया गलती भी की थी, तो आप ना उसे कहीं ना कहीं समझाते, सपोर्ट करते कि चलो ऐसा नहीं है, ऐसा है। एक हम लेडीज लोग ना ऐसे होते हैं कि अगर हमसे कोई अच्छे से 2 मिनट भी बात कर लेना, तो हम बोलते हैं हाँ ये हमारा भला ही सोच रहा है। तो तू तो उसका हस्बैंड था, उससे अच्छी तरीके से बात कर सकता था, समझा सकता था कि ऐसे नहीं ऐसे, अगर कोई बात होती है तो अपने अंदर ही शॉर्ट आउट करते, ऐसे पब्लिक में कर दिया है, फिर बोलता है कि पब्लिक में ये चीज़ है, वायरल हो रही है, मेरी बदनामी कर, बदनामी तो खुद अपनी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ जो कोई भी प्रिया को मिल रहा है उसकी हेल्प कीजिए। मैं तो बस उसका इतना ही हेल्प कर सकती हूँ कि उसकी सपोर्ट में एक वीडियो बनाई हूँ, और उसने इस चीज़ को सराहा भी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स उसके सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं, जो उससे अच्छा भी लग रहा है कि
अच्छा नहीं, मतलब उसको एक थोड़ा हिम्मत आ रही है कि हाँ लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरी चीज़ों को, शायद इस चीज़ से उसका हस्बैंड वापस भी आ जाए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए और अपना कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही बोला या गलत। थैंक यू और